नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार एसएससी इंटर व ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा के लिए अगले सप्ताह जारी होंगे विज्ञापन। पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों से आने वाले ईवीएम की लिस्ट हुई जारी। यूपीएससी ने अपनी संशोधित परीक्षा कैलेंडर को किया जारी। अगले 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ भारी बारिश होने का है अलर्ट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों से आने वाले ईवीएम की लिस्ट हो गई जारी। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का असर ठंडा होने के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। चुनाव संपन्न कराने के लिए हर जिले को दूसरे राज्यों से ईवीएम को मंगाना है। इसे लेकर अब किस जिले को किन राज्यों से कितने ईवीएम मंगाने हैं उसकी लिस्ट को राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। इसके तहत लगभग 24 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से बिहार के अलग अलग जिलों में ईवीएम भेजे जाएंगे। लिस्ट में कई जिले ऐसे भी हैं जिन्हें 6-6 राज्यों के 5 से 8 जिलों से ईवीएम को मंगाना है। इसके तहत नालंदा को झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी से ईवीएम मंगाना है। वहीं किशनगंज जिले को पूर्वी हिस्से में बसे 6 राज्यों से मशीन लाना है। ऐसे में ईवीएम का कलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। इसके साथ ही आयोग ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव के मतदान होने के 3rd दिन ही मतगणना करा लिए जाए। यूपीएससी ने अपनी संशोधित परीक्षा कैलेंडर को किया जारी। देश भर में कोरोना के कारण कई परीक्षा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिन्हें अब हालात सुधरने के बाद फिर से आयोजित करने की कवायद तेज हो रही है। इस क्रम में सबसे पहले देश की सबसे बड़ी परीक्षा आयोग यूपीएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर को जारी कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधन करके कैलेंडर को जारी किया गया है, जिसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बताते चले कि नए कैलेंडर के मुताबिक सबसे पहले 8 अगस्त को सीएपीएफ की परीक्षा होगी। वहीं देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। वहीं मेंस का आयोजन अगले वर्ष 7 जनवरी से शुरू होगा, जो कि 8, 9, 15 और 16 जनवरी को भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा एनडीए के 370 पदों के लिए 14 नवंबर को एग्जाम लिए जाएंगे। बिहार एसएससी इंटर व ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा के लिए अगले सप्ताह जारी होंगे विज्ञापन। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी करने की चाहत रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी अगले सप्ताह द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के लिए विज्ञापन को जारी करने वाला है। इसके तहत इन दोनों परीक्षाओं के जरिए करीब 4000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके तहत इंटर स्तर पर सहायक लिपिक, आशुलिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक राजभाषा निदेशक के 2649 पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्तियां आई हैं। वहीं आयोग के सूत्रों के मुताबिक ग्रेजुएट लेवल पर करीब 1500 रिक्ति पर बहाली होने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक ग्रेजुएट स्तर पर 4 से 5 लाख आवेदन आ सकते हैं। वहीं इंटर लेवल पर 10 से 15 लाख आवेदन आने की संभावना है। ऐसे में पीटी और मेंस दोनों की परीक्षा होंगी। राज्य में छोटी नदियों और तालाबों में पानी भरने से ग्राउंड वाटर लेवल को हुआ फायदा। बिहार में इस बार मानसून में अच्छी बारिश हो रही है। जून महीने में बारिश ने अपना रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि एक तरफ गंगा, गंडक, कोसी, कमला के उफान पर आने के कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है, मगर छोटी नदी, तालाबों और जलाशयों में पानी के लबालब भरने से ग्राउंड वाटर लेवल की स्थिति भी सुधरी है, जिसका सीधा फायदा किसानों को फसलों की सिंचाई में होने वाला है। इससे धान की फसल अच्छी होने की संभावना है, इसलिए किसान धान रोपने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो राज्य के करीब 50 प्रमुख छोटी नदियों में कुछ खतरों के निशान को पार कर चुकी हैं। इनमें दरभंगा की अधवारा नदी, भागलपुर में घोघा नदी, नालंदा में चिरैया, मोहाने, पंचाने और भूतही नदी के नाम शामिल हैं। अगले 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ भारी बारिश होने का है अलर्ट। बिहार के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग पटना से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में वज्रपात के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा व पूर्णिया के भी कई हिस्सों में बारिश गरज के साथ आकाश के बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान विभाग ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि समुद्री सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर संवहनीय बादल की वजह से राज्य के मध्य में बसे जिलों में आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश के साथ वज्रपात के आसार बने रहेंगे। फिलहाल पूरे प्रदेश में पछिया हवा का प्रभाव बिल्कुल नहीं है और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। पूर्वी चंपारण के बनकठवा प्रखंड में 100% लोगों ने लगाई कोरोना वैक्सीन। सूबे बिहार के सभी जिलों में वैक्सीनेशन का काम प्रगति पर है। इस बीच पूर्वी चंपारण का बनकठवा प्रखंड एक नई उपलब्धि को हासिल करने में सफल हुआ है। बनकठवा राज्य का पहला प्रखंड बन चुका है जहां 100% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। इसके लिए जिले के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने पिछले सप्ताह बनकठवा प्रखंड में विशेष अभियान चलाकर संपूर्ण वैक्सीनेशन को पूरा करवाया। वहीं इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने एक ट्वीट करके इस उपलब्धि पर सभी कर्मी और बनकठवा के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने प्रखंड के 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को
श्रेय देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। वैक्सीनेशन पर विपक्षी नेताओं को नाखुश बताते हुए सुशील मोदी ने कसा तंज। देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन के जमीनी हालातों को मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां कई बयान दे रही हैं। इस बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ऐसे सभी नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान सफलता के साथ काम कर रही है, मगर विपक्षी नेता इसे लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस, राजद, सपा समेत कई दल टीकाकरण में बाधा डाल रहे हैं। वहीं इस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी को नकारात्मकता का नायक बता दिया। उन्होंने जानकारी दी कि शनिवार की शाम तक 32 करोड़ 11 लाख लोगों को वैक्सीन देकर भारत ने सबसे तेज टीकाकरण का एक और रिकॉर्ड बनाया है, जो कि मुफ्त में भारतीयों को मिले हैं और इनकी संख्या ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका की आबादी से कई ज्यादा है। सभी जिलों में पेट्रोल के दाम हुए 100 के पार। लॉकडाउन की तंगी से जूझ रहे बिहारियों को अब पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें रुला रही हैं। इस वक्त राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। बीते दिन रविवार को बेगूसराय में भी 33 पैसों की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 100 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर बिका है। वहीं 15 दिनों में ही किशनगंज, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बेतिया, अररिया और भभुआ में पेट्रोल की कीमत शतक पार कर गई है। इन जिलों में 1 लीटर पेट्रोल 102 रुपए और कुछ पैसों के दाम में बिक रहा है। वहीं राजधानी पटना में प्रति लीटर 100 रुपए 47 पैसे के भाव में बिक रहे हैं। पेट्रोल की सबसे कम कीमत बेगूसराय जिले में ही है। लगातार बारिश से पटना में गंगा, सोन और पुनपुन नदी में बना है बाढ़ का खतरा। राजधानी पटना में मानसून की शुरुआत से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में शहरी इलाकों में जलजमाव और नदी के इलाकों में बाढ़ की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा है। हालांकि यहां से बहने वाली गंगा नदी, सोन और पुनपुन नदी में रविवार को पानी के स्तर में कुछ कमी दर्ज की गई है, मगर फिर भी बाढ़ का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में तेज बारिश होने पर पटना में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि इस खतरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन हर तैयारी को पूरी रख रहा है। तटबंधों को दुरुस्त करने के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम को भी तैयार रखा गया है। आपको बताते चले कि पटना के दीघा घाट में खतरे का निशान 50 मीटर के करीब है, जिसमें 2 सेंटीमीटर की कमी रविवार को दर्ज की गई है। वहीं सोन में भी पानी के खतरे के निशान से 5 मीटर कम हुआ है। जेडी ने पेट्रोल डीजल के बड़े दाम के मुद्दे पर अमिताभ बच्चन पर साधा निशाना। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से जनता परेशान है। वहीं विपक्षी दल इसके लिए केंद्र सरकार पर हावी होने के साथ ही बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन पर भी विफल रहे हैं। अमिताभ बच्चन के एक पुराने ट्वीट ने उन्हें चर्चा का विषय बनाया है। अब राजद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अमिताभ के 26 मई 2012 को किए गए एक ट्वीट को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार के वक्त पेट्रोल के दाम बढ़ने पर लिखा था कि अब पेट्रोल पर भी लोन लेने का युग आ गया है। इसको टारगेट करके आरजेडी ने ट्वीट में कहा कि 2 कौड़ी का महानायक मोदी से करोड़ों लेकर ट्वीट करता था, अब बेशर्म की जुबान पर ताला जड़ दिया गया है। वहीं एक अन्य ट्वीट में लिखा कि गरीब, किसान और मध्य वर्ग मर रहे हैं, अब तो ट्वीट कर दे मर्द। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बच्चन को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया था। फिलहाल बिहार के करीब सभी जिलों में पेट्रोल के भाव शतक को पार कर चुके हैं। चिराग पासवान पर हमलावर हुए जदयू महासचिव। बिहार में लोजपा में टूट होने के बाद से ही चिराग पासवान पर जदयू अपने बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव भी चिराग को उनके साथ आने का निमंत्रण खुलेआम दे रहे हैं। इसे लेकर अब जदयू महासचिव केसी त्यागी ने इन दोनों ही नेताओं के राजनीतिक करियर पर तंज कसा है। केसी त्यागी ने कहा कि चिराग और तेजस्वी दोनों ही परिवारवाद से अपनी राजनीति को शुरू किए हैं, इसलिए इन दोनों के एक मंच पर आने के बाद अच्छी बनेगी। उन्होंने कहा कि चिराग अपने पिता के उलट जनपद से गांव की तरफ आए हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता है कि सियासत कैसे की जाती है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा बार बार सरकार के गिरने की बात को उन्होंने फुहड़ बताया है और कहा कि बेमौसम आम नहीं गिरते हैं, उसी तरह सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को बहुमत के साथ पूरा करेगी। जेपी नड्डा ने बिहार के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पहल करने की कही बात। बीते रोज रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से बिहार प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में बिहार को सभी जरूरी मदद केंद्र सरकार से मिलने की बात को दोहराया। उन्होंने इस बाबत बताया कि पीएम केयर्स फंड से करीब 1,500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने जिलों में एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पहल करने की बात कही। साथ ही टीकाकरण को सुनिश्चित कराने के लिए उन्हें सप्ताह में 2 दिन अपने अपने क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की स्थिति का जायजा लेकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करने को कहा। इस दौरान उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे लोगों के बीच जाकर सरकार की उद्यमी योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, स्वामित्व योजना समेत अन्य लाभदायी योजनाओं से जोड़ने का काम करें।
शेफाली वर्मा ने भारतीय क्रिकेट जगत में सबसे कम उम्र में रच दिया इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे युवा और धाकड़ खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने रविवार को एक इतिहास रच दिया है। 17 साल की शेफाली ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। उन्होंने यह इतिहास बीते दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे मैच खेलने के साथ ही रचा है। हालांकि अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में वे 15 रन बनाकर ही आउट हो गई। आपको बता दें कि शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था। जब वे 15 साल की थी तभी उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच को खेला था। देशभर में 81 दिनों के बाद कोरोना से 1000 लोगों से कम हुई मौत। देशभर में ताजा मामलों में कमी आने के साथ ही 81 दिनों के बाद 1000 से कम मौत दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 46148 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 979 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 58578 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 572994 हो गई है। वही बात अगर हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान 185 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 292 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीज की संख्या 2141 हो गई है। वही रिकवरी दर 98.38% हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में पेट्रोल के बढ़ते दाम से आपको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।